नमस्कार। पत्रिका पोल ब्रेडी में आज हमारे साथ शहर के दो शख्स हैं, एक हमारे भाजपा के एल्डरमैन महेश चंद्रिका पुरे जी और दूसरे साइड वाले हैं वार्ड पार्षद के कांग्रेस के पार्षद चंद्र प्रदीप वाजपेयी जी हैं। ये लंबे समय से कांग्रेस में काम करते आ रहे हैं। आज पत्रिका पोल ब्रेडी में दो सवाल है। एक ये है कि भाजपा में एक बड़ा नाम दिलीप सिंह हृदय, उसकी बहु संयोगिता कल पहुंची थी सौदान सिंह से मिलने के लिए, उनसे मिलने सौदान सिंह इनकार कर दिया। इसके अलावा और कई कार्यकर्ताओं से नहीं मिले। दूसरी खबर यह है कि धर्म को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई प्रदेश में। अमित शाह के बाद अब राहुल गांधी जी भी देवी देवताओं को दर्शन करने आ रहे हैं। प्रदेश बम्बलेश्वरी देवी हो चाहे रतनपुर की माया देवी मंदिर हो, अब इनकी दौरा शुरू हो गई है। आप बताइए महेश चंद्रिका पुरी जी, ऐसे क्या कारण है कि सौदान सिंह जी ने संयुति से मिलने को मना कर दिया? दूसरी बात ऐसा पता चला हर्षिता पांडे भी उनसे भी मिलने को मना कर दिया, क्या सोचते हैं आप इसको? देखिए, चुनाव का समय चल रहा है और लगभग अभी जितने भी बड़े हमारे पदाधिकारी जो प्रदेश से आ रहे हैं या राष्ट्रीय स्तर पर आ रहे हैं, लगभग लोग टिकट की मांग को लेकर पहुँचते हैं। यह सोचकर भी उन्होंने मना किया होगा, मगर कुमार साहब का जो परिवार है वो सम्मानी परिवार है इस प्रदेश में, और यदि उन्होंने मिलने से इनकार किया तो हो सकता है उनके पास समय का अभाव होगा, मेरा ऐसा सोचना है। ऐसे स्थिति में है कि हम बार बार कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि मोबाइल फेसबुक के अलर्ट रहिए और कार्यकर्ताओं से मेल जोड़ बढ़ाइए, और टिकट का जब समय आया तो किसी से कहा बेकार मिलने से इनकार करोगे, तो इससे अपन ये मान के चले कि जो लोग उन्हीं लोगों से नहीं मिला गया जिनको टिकट नहीं दिया जाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ये नीति रही है कि जो क्षेत्र में काम करता है, जो स्थानीय रहता है, जो लोकप्रिय होता है और जिसकी जनता के बीच में सीधी पकड़ होती है, टिकट की संभावना उनके लिए बनेगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में एक सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण किया जाएगा, ताकि ना कि जो भी डिजिटल लोग अभी जो छाए हुए हैं उसके आधार पर वहाँ पर सिर्फ एक यही बात रखी जाएगी कि जो लोकप्रिय है, जिसकी डिमांड है, उसी को टिकट दिया जाएगा। प्लीज ये बताइए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव आगाज हो गया है, जल्द ही टिकट वितरण हो जाएगा और धर्मों पर लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इससे पहले अमित शाह जी ने राजनांदगांव रायपुर सहित अनेक जगहों पर दौरा किया, देवी देवताओं मंदिर मत्था टेके। इसी ओर राहुल गांधी जी का भी 12 तारीख से कार्यक्रम बताया जा रहा है कि बम्बलेश्वरी मंदिर जाया करेंगे, और इसी बहाने धर्म गुरुओं और उनके वोटरों को साधने की तैयारी है। देखिए, ये हमेशा होता है। अभी राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए, धर्म से जुड़े हैं और हर धर्म में जाते हैं। राजनीतिक लोग हैं, हम खुद भी चारों धर्म को स्वीकार करते हैं। हाँ, हमको तकलीफ ये है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमको इस तरीके के धर्म के लोगों से आपत्ति है कि आप उस चीज़ को तय करो। तो आप पहले बोलते थे कि सरकार आ जाएगी तो हम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम उस विषय पे नहीं जा रहे। आज सर, आप आज केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, पूरे नगरी निकाय उत्तर प्रदेश के आपके पास हैं। तो ये तो धर्म का उपयोग करना गलत है। मैं उस विषय पे आ रहा हूँ कि भाई, आपने धर्म का उपयोग करके राजनीति में अपना प्रवेश किया और सत्ता हासिल की, वो गलत है। ये राहुल गांधी जी को सिख भक्त बताया जा रहा है और अचानक ये देवियों के दर्शन करने निकले हैं कहीं? देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा दर्शन करने निकले, सवाल है वक्त है चुनाव का, तो चुनाव में हमारे कोई सा भी कार्य जो है वो ज़्यादा दिखने लगता है और उस पर विचार ज़्यादा होने लगते हैं। आपको क्या लगता है महेश जी, कि राहुल गांधी का धर्म को लेकर जो दौरा शुरू हुआ है उसका? देखिए, अब राहुल गांधी जी के बारे में मेरे को कुछ नहीं बोलना है, फेसबुक टीवी और व्हाट्सएप पे अनेक उनके किस्से आते हैं। मगर जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत ही कोई भी कार्यक्रम की पूजा अर्चना से होती है और शुरू से ही धर्म और आस्था पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है। अब बड़ा अजीब टाइप का ये जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में भी जो बन रहा है कि जहाँ भी जाते हैं राहुल गांधी जी मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, तो जनता को सीधा सीधा एक नौटंकी के रूप में वो देखा जाता है इसको। ये युद्धवीर सिंह जी के जो पत्नी को कल सौदान सिंह ने लौटाया है, इसमें क्या सोचते हैं आपका? कल विदेव खानदान की रोल खत्म हुई। ना सिर्फ युद्धवीर सिंह जी की पत्नी बल्कि हर्षिता पांडे को जो मेरी जानकारी में है, तो आप इससे यह मैसेज जाता है कि इन्होंने टिकट अपने हिसाब से तय की, वो एक अलग विषय है, ये इनका स्वयं का विषय है।
पर कम से कम आप महिलाओं के प्रति एक सम्मान तो आपका होना चाहिए कि एक दो बड़े परिवार की, युद्धवीर परिवार भी जुदेव परिवार का, दूसरा हर्षिता पांडे एक पूर्व मंत्री पूर्व सांसद की बेटी और छत्तीसगढ़ राज्य आयोग महिला की अध्यक्ष, तो इतने बड़े लेवल की महिलाओं से भी आपने मिलने में इनकार किया, मतलब महिलाओं के प्रति जो आपका सम्मान इससे समझ में आता है। ये अभी अपन चीज चल रहे कि एक बड़ा वो है राजनीतिक उलट फेर, आज बिलासपुर विधानसभा में प्रदेश के कद्दावर मंत्री कहे जा रहे हैं रामा रावाल के अगेंस्ट में पूरा लाल छवैया आ गया, आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो क्षमा करेंगे, मैं बिलासपुर विधानसभा से अमर अग्रवाल भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए पूरा लाल छवरियन ताल ठोका है बिलासपुर सीट से। वो भी नहीं, उनके साथ मेरे ख्याल एक राय जी है, मनीष राय जी भी उन्होंने ठोका है, पर सवाल इनकी पार्टी एक अलग हिसाब की है, वो अकेले व्यक्ति, उन्होंने इसके पहले बोला कि मैं बाहुबली हूँ, तो उस बाहुबली के सामने ये कितने क्या रोल कर पाते हैं यही समझ पाएंगे। महेश जी बताइए, आप तो उस पार्टी से जुड़े हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमर अग्रवाल जी के बिलासपुर विधानसभा सीट में अपना नाम छावरिया सहित कुछ लोगों ने? देखिए पहली बात तो ये मैं वाजपेयी जी के उस शब्दों का विरोध करूंगा जिसमें इन्होंने कहा है कि अमर अग्रवाल जी ने कहा मैं बाहुबली हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उन्होंने इस प्रकार की बातों को कभी नहीं कहा। और दूसरी बात यह है कि पूरन लाल छाबरिया जी का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, कुछ फिर भी नहीं मालूम भी हो पाए, और कोई भी लोकतंत्र में अपनी अपनी बात को रख सकता है और रखने का अधिकार भी है। अगर आपको बिलासपुर से दायित्व दिया जाए कि आप लड़ेंगे चुनाव, मेरे सामने हमारे नेता के रूप में माननीय अमर अग्रवाल जी हैं जिन्होंने पार्टी को बोल दे कि महेश जी आपको लड़ना है चुनाव जी, नहीं अभी सवाल सिर्फ ये है कि हमारे कैंडिडेट हमारा तय है माननीय अमर अग्रवाल जी, और हमको इस प्रकार का कहीं पर संशय नहीं है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा और उन्हीं का हक भी बनता है बिलासपुर शहर। नमस्कार अखिलेश और महेश जी, आप दोनों पत्रिका बुलेटिन में आए, आपको धन्यवाद।